देखिए दोस्तों, देखिए अभी मौसी जी आ रही है, आज इनसे इतना लड़ाई करेंगे कि ये हद से गुजर जाए। ऐसा हम हर दम लड़ाई करे छे, कहे छे कि खाना खाना कहे छे नहीं। हमको पता है ना, सब पता है कि मौसी जी क्या नहीं आता। जानवे ने कह लिया था सिबो ते ना से लड़ाई आ सना से लड़ाई करे छे, तब फिर खाना करबे के मई लड़ाई से लड़ाई नहीं करेगी। नहीं आइएगा तो लड़ाई नहीं करेगी तो क्या करेगी। हेलो टू फैमिली, नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप सब? प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज मौसी जी से हम खूब लड़ाई करेंगे। क्यों करेंगे? बहुत सारा कारण है इसमें, ठीक है। आज मौसी जी आएगी तो ना चाय बना के देंगे ना कुछ भी देंगे। एक राउंड लड़ाई हो चुका है और दूसरा राउंड अभी चालू करेंगे। दोस्तों अभी दिखाते हैं आप सभी को, अभी देखे थे हम द्वार पे से आते हुए, तो इसलिए सोचे हम छोटा सा ब्लॉग बना के आप सभी को दिखा दें। क्योंकि देखिए, उनको बर्थडे के रोज बोले थे ना आने के लिए, तो नहीं आई थी और पता नहीं। देखिए दोस्तों, देखिए अभी मौसी जी आ रही है, आज इनसे इतना लड़ाई करेंगे कि ये हद से गुजर जाएगी। क्या ना लियर बर्थडे के दिन? अरे पावन के लिए, पावन के लिए मन खराब रहे। इतना लोग को मन खराब रहे था, इनका तबियत खराब, बहाना बनाती, खर्चा के डर से नहीं आई। खर्चा तर्चा तो कोनो डर नहीं है। ये हमरा की कहे छे जानन तो मौसी मां बीमार छे, तो गाड़ी भेज देती हम। हां तो गाड़ी तो भेज दूंगा हम, तो किया नहीं लिए रे। आ पूछला ना सेवा का, तो बहुत बहुत इतना बहाना बनाती है कि मत पूछिए। डॉक्टर के यहां गई थी, देखिए सीधे से पूछ ल, सीवा से पूछवे। चला देखिए, एक तो भांजा चले गया, कल चला गया, वो तो कितना दिन का मेहमान है, आदमी को सोचना चाहिए। मेरा भांजा, इनका तो नाती होगा, इनका तो काटने वाला नहीं है। देखियो पैसा नहीं देती, खर्चा नहीं, कोनो गिफ्ट देती, आशीर्वाद से बढ़कर थोड़े कुछ हो है। काल में ओना नहीं लिया रिया, ये लिया कहाँ से खोजू न कहते हैं आप? तो नहीं छे तो चल जेबे हम बरौआ चल जाएंगे आशीर्वाद देने। जो कंजर नानी है वो बर्थडे के रोज आशीर्वाद देने नहीं आए, वो जाएंगे बरौआ आशीर्वाद। चल जेबे की बुझे छे, जेबे बाबू भेट के लबे, नुनू देख लबे, सब एक एक मौका का फायदा दो दो बार उठाएंगे। वहाँ पे मायके भी है और बेटी भी है, तो सबका भेंट करके चलाएगी। देखिए सोचे की यहाँ पे आएंगे ना तो यहाँ पे खर्चा हो जाएगा, वहाँ पे एक ही खर्चा में खर्चा दो दो भर दियो ना पे ना भर दियो ना पे चल जब बढ़िया ना है। ऐसा हम हर दम लड़ाई करे छे, कहे छे की खाना खाना हाँ खाना खाना कहे नहीं लिया। अच्छा बताइए, आप आएगी तो नहीं बोलेंगे? वही ना, हम तो बोले थे मौसी को आने के लिए। बताइए, अच्छा चलू, एक गलती फैगल आप, लेकिन जब भी फोन करम चल गया। अरे अपन आदमी के फोन भी नहीं करे छे तैयो चल आवे छे, भगवान छे हमें। आखिर फोन कर ली, जान ली ना की भगवान बाद में बतेलके, तो की करती है? ना ऐसे भी था ना, छठ पर्व था ना, इस वजह से। दोस्तों तभी दोस्तों हम लोग बहुत धूमधाम से मनाए, देखिए आप लोग बहुत धूमधाम से मनाए थे। लेकिन सब दिन भांजा थोड़े ना रह गए यहाँ पे, क्या बस कल तक रहा? उनको भी बहुत ज्यादा काम था, दे दीजिए अकेली घर पे, क्या करेंगे? नहीं लाके धान सांग सब कटने वाला था, कटा भी नहीं था, इस वजह से नहीं रोके चले। तेना से लड़ाई आ सना से लड़ाई कर जे, तब फिर कहाँ करबे के मई लड़ाई से लड़ाई नहीं करेगी। नहीं आइएगा तो लड़ाई नहीं करेगी तो क्या करेगी? नन बात सही है, लड़ाई ठीक रही था, हम बोल लिया चले। हाँ वो तो है कि दोस्तों, देखिए आज सही हो गया, चले गए ना दा देखिए तो बढ़िया रहते, उस दिन तो हम नहीं आती और हम जानबो न कर लिए। डॉक्टर कन गए लिए, सिवा डॉक्टर कन गए लिए, सिवा गए तो हम रहबे न करिए, तो की करती है? छठ पर्व भी था ना, तुम उसी भी कर रहे थे, इसलिए थक गई होगी ना। और क्या, तीन दिन भी उपवास रहता है उसमें, जब लोग एक दिन उपवास रहते हैं उसमें तो लथपथ हो जाते हैं, तो तीन तीन दिन उपवास है इस वजह से। चलिए दोस्तों, इतना ढोक क्या कीजिएगा, होते रहता है। और जब भी मौसी आती है तो इस तरह थोड़ा सा वक्त मतलब बात हो जाता है, तो बहुत ज्यादा हंसी भी लगता है, अच्छा भी लगता है। और उस तरह उस दिन मजबूरी, सबके पास मजबूरी रहते, लेकिन इतने सारे आदमी के पास मजबूरी नहीं थे, मौसी के पास मजबूरी थे। देखा छे केना केना बोले छे झूठे फूसे दागे, हम नहीं आवे छी आ आते हैं आज तो आए ना, हम का बोल रहे हैं आज आए, लेकिन बर्थडे मन गया तब आए। मन खराब रह की करती है डॉक्टर फोन चल रही है। ऐसे भी दोस्तों मौसी, कोई भी तबीयत सब खराब होता है ना, कुछ भी होता है तो चले आती है, कोई भी बात उस सुनते है ना, मतलब अनहोनी बात हो तो काम जब रहेगा तब नहीं आएगा। नहीं आ जाती है, आ जाती है, नहीं की जब बीमार रहती, अपने बेचारी बीमार रहती तो क्या करेगी, कैसे आ पाएगी? हम देखिए, एक बार मम्मी भी खबर भेजी थी तो आ गई थी, सिर्फ बोले थे कि भेंट करने के लिए, तो आ गई थी बेचारी, भले दो मिनट के लिए आए लेकिन आ गई थी। सबके घर में काम रहता है, नहीं थोड़े ना है कि काम नहीं रहता है। तो ये देखिए, आप लोग को बोले थे मजाक कैसे लगा, तो ये मजाक नहीं था, सच में था, तो मजाक हम लोग बना दिए इनको।
मजाक हम लोग का कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो वीडियो को करते यहीं एंड, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।